तो यार ये प्रॉब्लम तो सबके साथ आती है कि जब आप रूबिक्स क्यूब को न्यूली परचेज करते हैं तो वो काफी स्मूथ और फास्ट होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो काफी रफ सा अटकना चालू हो जाता है और अंदर से काफी डस्टी भी हो जाता है अगर आपने कभी नोटिस नहीं किए होंगे तो। चलिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप अपने पुराने रूबिक्स क्यूब को न्यू जैसा फास्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रूबिक्स क्यूब को पूरी तरीके से खोल देना है, डिसअसेंबल कर देना है, फिर आपको एक टॉवल या क्लॉथ लेना है और रूबिक्स क्यूब की हर एक पीस को, चाहे वो कोर हो या सेंटर कैप हो, सबको क्लीन कर देना है और जहाँ पे आपकी फिंगर्स रीच ना कर पाए वहाँ पे आप ईयरबड्स का भी यूज कर सकते हैं मेरी तरह। और ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद यार मेरे टेबल की ये हालत हो गई। इसके बाद मैंने सारे कैप्स को लगाया और वहां पे मैंने रियलाइज किया कि एक पार्ट कोर का मैं मिस कर गया और क्लीन करना, तो फिर मैंने उसको क्लीन किया। उसके बाद मैंने पूरे के पूरे रूबिक्स क्यूब को असेंबल कर दिया। क्यूब असेंबल हो जाने के बाद आपको इसके स्क्रूज को एडजस्ट करना है आपके हिसाब से। लास्ट स्टेप है कि आपको रूबिक्स क्यूब में ल्यूब अप्लाई करना है, अगर आपके पास ल्यूब नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको रूबिक्स क्यूब को अच्छी तरीके से स्क्रैम्बल करना है जिससे कि ये स्प्रेड हो जाए। ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद आपको किस तरह का रिजल्ट मिला कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।